हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज की इस वीडियो में एक नया टॉपिक मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कुछ न्यू ऑप्शंस के बारे में बताना चाहती हूँ, जिसको हम अपने डॉक्यूमेंट्स में अप्लाई करते हैं। जब हमें कोई भी डॉक्यूमेंट रेडी करना होता है या कोई कंटेंट हमें ऐसा लिखना होता है जो किसी रिपोर्ट से रिलेटेड है या किसी नोटिस से रिलेटेड है, तो वो सारी चीजें हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करने वाले हैं। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ही आपको ये सारी चीजें दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लिया। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बाद अब हमें करना क्या है, यहाँ पे मैंने कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, तो आप भी इसी तरीके का कंटेंट अपना रेडी कर लेंगे जो आपको चाहिए, जिसपे आप वो ऑप्शन जो मैं करने वाली हूँ वो बताऊंगी। ठीक है, तो जो ऑप्शन आज हम करने वाले हैं उसका नाम है ड्रॉप कैप। मैं हाईलाइट कर रही हूँ आपके आगे, आप देख लीजिए, ये ऑप्शन है ड्रॉप कैप, और ये ड्रॉप कैप ऑप्शन इंसर्ट टैब में मिलता है। तो इंसर्ट टैब के अंदर टेक्स्ट के ग्रुप में आपको ड्रॉप कैप ऑप्शन मिलेगा, और ड्रॉप कैप ऑप्शन के अंदर ही हम देखेंगे कि ये करता क्या है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें इस पूरे पैराग्राफ को देखना है कि आप इस पूरे पैराग्राफ में वो ड्रॉप कैप कहाँ लगाना चाहते हैं। बेसिकली ड्रॉप कैप एक ऑप्शन ऐसा है जो हमें न्यूज़पेपर्स या हमें किसी मैगजीन्स वगैरह में मिल जाता है। पहले क्या होता था, ड्रॉप कैप हिंदी इंग्लिश ड्रॉप कैप्स ज्यादा आते थे मैगजीन्स या न्यूज़पेपर के अंदर। अब हिंदी ड्रॉप कैप्स भी आने लग गए हैं, चाहे वो हिंदी का मैगजीन हो, चाहे वो हिंदी की न्यूज़पेपर हो, सब में आपको ये ड्रॉप कैप देखने को मिलेगा। और ये एक ऐसा ऑप्शन है जो हमारे कंटेंट को, जो हमारे टेक्स्ट को एक अट्रैक्टिव लुक देता है, जो हमें देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करने वाले हैं, आपको ये डिसाइड करना है कि आप ड्रॉप कैप लगाना कहाँ चाहते हो। तो मैं क्या करूंगी, मेरा जो ये फर्स्ट जो पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ का जो पहला वर्ड है वीडियो, वीडियो के वी को मैं ड्रॉप कैप करना चाहती हूँ। ड्रॉप कैप मीन्स ड्रॉप कैपिटल, यहाँ एक पर्टिकुलर लेटर जो है वो ड्रॉप होता है, नीचे की तरफ गिरता है, और एक नंबर ऑफ लाइंस में एक बड़ा लेटर दिखता है हमें आके। तो मैंने क्या किया, उसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ध्यान रहे आपको याद रखना है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के अंदर ये है ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं टेक्स्ट ग्रुप। ये टेक्स्ट ग्रुप है, यहाँ आपको मिलेगा ड्रॉप कैप, इस पर जाइए। जब आप इस पर मूव करेंगे माउस तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे क्या लिखा है। लिखा है क्रिएट अ लार्ज कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ अ पैराग्राफ। ठीक है, क्लिक किया। फर्स्ट ऑप्शन इज नन, जहां आप ड्रॉप कैप नहीं लगाना चाहते हैं। सेकेंड ऑप्शन इज ड्रॉप, जो कि डिफॉल्टेड आपको दिखा रहा है वो कि इस तरीके का आएगा। एंड थर्ड ऑप्शन इज इन मार्जिन। अब इन मार्जिन का मतलब ये है कि जो कैपिटल ड्रॉप हुआ है, लेटर ड्रॉप हुआ है, वो मार्जिन एरिया में हुआ है। देखिए, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ब्लैंक, लेफ्ट हैंड साइड का और टॉप का एंड राइट का, ये जो ब्लैंक एरिया है, ये मार्जिन एरिया होता है। तो इन मार्जिन वाला ऑप्शन अगर आप लेते हैं तो आपका जो लेटर है ड्रॉप कैपिटल, जिसको हम ड्रॉप कैप बोल रहे हैं, वो लेफ्ट हैंड साइड का जो मार्जिन है वहां शो होगा। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं कि ऐसा मुझे नहीं चाहिए, तो इसके लिए आप दूसरा ऑप्शन यूज कर सकते हो। तो मैं क्या करने वाली हूँ, अगर डायरेक्टली आप ड्रॉप या इन मार्जिन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली कैपिटल लेटर में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। मैं यहाँ से थर्ड वाला ऑप्शन पिक करूंगी, जो सबसे लास्ट में नीचे ऑप्शन आ रहा है, ड्रॉप कैप ऑप्शंस। तो मैंने ड्रॉप कैप ऑप्शंस पे क्लिक किया। अब इस विंडो को थोड़ा साइड में रख देंगे हम, जो कि हम देख पाए कि हमारे टेक्स्ट में क्या हो रहा है। तो हमने यहाँ से ड्रॉप वाला ऑप्शन पिक करना है। मैं यहाँ से इन मार्जिन वाला ऑप्शन नहीं ले रही, मुझे अपना ड्रॉप कैपिटल लेटर मार्जिन एरिया में नहीं रखना है, तो मैंने ड्रॉप वाला ऑप्शन ले लिया। एंड देन नीचे आना ऑप्शंस में, आपने स्टाइल तो पिक कर लिया कि आपको ऐसा देखना है ड्रॉप कैप वो अल्फाबेट। देन फॉन्ट, ये फॉन्ट राइटिंग स्टाइल होगा इस वी का, जब ये वी बड़ा हो जाएगा पैराग्राफ में, तो आप क्या स्टाइल रखना चाहते हैं, यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फॉन्ट्स। तो अब यहाँ से जो भी फॉन्ट ऑफ स्टाइल आपको अच्छा लगे, जैसे अभी सिर्फ नाम दिख रहे हैं, आपको नहीं पता कि कौन सा स्टाइल लेगा जाकर ये, तो आप एक बार चेंज करके देख लीजिए। अगर वो प्रीव्यू कहीं दिखाते तो पता चल जाएगा, अदरवाइज हमने डायरेक्टली आउटपुट में ही दिखेगा कि वो कैसा है। बट ये आपको बिगिनिंग में ही ध्यान रखना है कि आपने अपने पैराग्राफ का क्या फॉन्ट रखा है, राइटिंग स्टाइल आपके पैराग्राफ का क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आप बॉडी स्टाइल भी सेलेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है, तो नॉर्मल मैंने एरियल फॉन्ट यहाँ से पिक कर लिया है. एंड सेकेंड ऑप्शन इज लाइन्स टू ड्रॉप. अब इसका क्या मतलब है? लाइन्स टू ड्रॉप का मतलब होता है कि जो अल्फाबेट आपने सेलेक्ट किया है वी, आप उसको कितने लाइन्स में ड्रॉप करके देखना चाहते हो. तो मिनिमम यहाँ पर ये जो उन्होंने डिफॉल्टेड नंबर्स लिखे हैं वो 3 हैं. आप इसको कम भी कर सकते हैं और आप इसको ज्यादा भी कर सकते हैं. जो डिफॉल्टेड या जिसको हम ये बोल सकते हैं कि जो बेटर लुक देता है वो 3 होते हैं. तो आप अगर 3 रखना चाहते हैं तो आप 3 लेके आप इसको डन कर सकते हैं. देन लास्ट ऑप्शन इज डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट. डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट का ये मतलब है कि जब ये वी लेटर ड्रॉप कैपिटल हो जाएगा, 3 लाइंस तक ड्रॉप हो जाएगा, तो ये वी लेटर एंड ये अदर पैराग्राफ्स या अदर लाइंस के बीच में कितना गैप होगा, अदर वर्ड्स के बीच में कितना गैप होगा. तो यहाँ 0 सेंटीमीटर चल रहा है, तो मैं यहाँ से 0.5 सेंटीमीटर का गैप देने वाली हूँ. तो ये गैप आपको अभी पता चल जाएगा कि ये किस चीज का गैप है. देन आप इसको कर दीजिए ओके. ओके करने के बाद आप देख सकते हैं ये जो वी अल्फाबेट है हमने 3 लाइंस में ड्रॉप किया था, तो ये 3 लाइंस तक ड्रॉप हो चुका है. देखिए 1, 2, 3 3 लाइंस में ड्रॉप हो चुका है. एंड हमने यहाँ पर 0.5 इंचेस का गैप दिया था. जब आप इस वी पे क्लिक करेंगे तो ये जो ये आप देख रहे हैं रूलर, और ये जो स्पेस आप देख रहे हैं यहाँ पर मेनली, यहाँ स्पेस पे आप ध्यान दे सकते हैं, इस वी से लेकर आई डी ई ओ के बीच में जितना भी गैप 3 लाइंस तक आ रहा है, ये वही गैप है जो आपने डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट ऑप्शन से दिया था. तो इसी तरीके से आप ड्रॉप गैप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, और अपने टेक्स्ट को और भी अट्रैक्टिव दिखा सकते हो. ठीक है, तो अभी मैंने एक ऑप्शन आपको दिखा दिया यहाँ लगाकर. अगर आप चाहें किसी और अल्फाबेट में ड्रॉप कैपिटल लगाना तो वो भी कर सकते हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ को मैंने सिलेक्ट किया, ड्रॉप कैप पे गए और आप देख सकते हैं यहाँ से आप जो भी स्टाइल आप यूज करोगे, पिक करोगे, वो आप लगा सकते हैं. और अगर मैं इन मार्जिन वाला ऑप्शन यूज करती हूँ, इन मार्जिन में भी सेम ही वही ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको जो हमने ऊपर वाले ड्रॉप ऑप्शन में, इस वाले ड्रॉप ऑप्शन में किया था. बट यही फर्क ये है कि इन मार्जिन वाले में होगा क्या कि जो भी कैपिटल, जो भी लेटर ड्रॉप कैपिटल होगा वो मार्जिन एरिया में होगा, ना कि नॉर्मल जो हमारा एरिया है जहां हम टाइपिंग करते हैं वहां ये नहीं जाएगा. तो इस तरीके से आप इस ड्रॉप कैप ऑप्शन को यूज करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं. ठीक है, तो मोर अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप ड्रॉप कैप ऑप्शन का यूज कर सकते हैं. ठीक है,